So mic is not working. Okay, no problem. तो ये अपना एपिक लॉन्चर है। अभी इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? आपको सिंपल गूगल पे जाना है और लिखना है अनरियल इंजन डाउनलोड। पहले पेज खुलेगा, उसको ओपन कर लेना और यहीं पर ही वो बताएगा, वो स्टेप्स दिखाता है। तो यहाँ पर डाउनलोड लॉन्चर का ऑप्शन आएगा और उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है इसको इंस्टॉल करना। ठीक है, जब भी आप एपिक लॉन्चर इंस्टॉल कर लोगे, उसमें लॉगिन के लिए पूछेगा। लॉगिन आपको अनरियल इंजन में जो भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे ना, जब भी आप अनरियल इंजन में जो भी अकाउंट क्रिएट करोगे उसी से आपको लॉगिन करना है। आप गूगल लॉगिन भी कर सकते हो, पर एपिक लॉगिन ही करना, नहीं तो कभी कभी एरर भी दिखाता है वो। तो उससे बेस्ट है कि आप एपिक पे अपना अकाउंट बनाओ, लॉन्चर डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। जब भी आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ये ऐसा पेज खुलेगा इतना बड़ा। तो हो सकता है आप स्टोर या लाइब्रेरी पे होगे। एपिक लॉन्चर भी अच्छा खासा बड़ा इसमें उन्होंने बना दिया है। तो अभी एपिक लॉन्चर पे आपको गेम भी मिलते हैं, आप गेम भी खरीद सकते हैं यहीं पे। और यहीं पे आपको टैब मिलेगा अनरियल इंजन का, सबसे थर्ड वाला ये। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये अनरियल वाला टैब खुलेगा, जहाँ पे आपको ये न्यू सैम्पल मार्केट प्लेस लाइब्रेरी और ट्विन मोशन ये सब आपको दिखेंगे। और यहाँ पे लॉन्च का आएगा, ये लॉन्च के लिए आएगा। जो भी आप पहला वर्जन इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा। तो जनरली आप जो एपिक इंस्टॉल कर लोगे तो ये खाली दिखाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ना, 5.2 या 5.3 नहीं होगी। ये हमारे अनरियल इंजन के वर्जन्स हैं। तो आपके जो प्लस है ना, इस पर क्लिक करना है और क्लिक के बाद आपको सारे वर्जन दिख जाएंगे। तो लेटेस्ट कौन सा, जो भी सबसे पहले 4 है, 4 के ऊपर 5 आया अपना, तो 5 में अपने पास 5.0, 5.3, 5.1। तो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो 5.3.1 है। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है और कम से कम आपको सी ड्राइव में स्पेस चाहिए होगा 100 GB सब मिला के। तो जब भी आप इंस्टॉल करो तो उस ड्राइव में कहना जहाँ पे कम से कम आपके पास 100 GB का स्पेस हो। यस दक्ष, पुराने जो वर्जन 4 चल रहा था ना अभी तक, तो काफी लेटेस्ट में तो उसके प्लगइन इसमें यूज हो जाएंगे। कुछ कुछ यूज़ होते हैं, सब यूज़ नहीं होंगे पर कुछ कुछ यूज़ हो जाएंगे। मतलब जनरली क्या होता है, जो भी प्लगइन्स होते हैं, जब भी नया वर्जन आता है तो लोग अपडेट कर देते हैं अपने प्लगइन्स को, तो टेंशन की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स सारे चल जाते हैं, कोई कोई होगा जो नहीं चलेगा। ओके ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये अपना इंजन वर्जन यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ से लॉन्च कर लो, आपका इंजन लॉन्च हो जाएगा। नीचे यहाँ पे वो माई प्रोजेक्ट्स करके लिखा हुआ है, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप बना दे हो। जो भी आप लेट से अपने माई प्रोजेक्ट 1, 2, 3 बनाया वो सब यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा वॉल्ट, ये होती है आपकी लाइब्रेरी कह लो, कि जो भी आप मार्केट प्लेस से खरीदोगे वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये आपका सारा खरीदा हुआ कॉन्टेंट है। तो लेट से अगर मार्केट प्लेस पर आप जाते हो उसके, तो फ्री में जैसे मैंने बताया था कि बहुत चीज़ अवेलेबल है, प्लगइन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे एसेट्स अवेलेबल हैं। तो लेट्स से आपने फ्री पे क्लिक किया, जैसे फ्री पे क्लिक कर दो और ये हर मंथ आप जाके करते रहो, मतलब हर वीक या हर मंथ इस पे जाते रहो, तो फ्री का कंटेंट बहुत आता है। मैं तो हर डेली आता हूँ यहाँ पे और फ्री पे जाके फ्री का कंटेंट जितना भी होता है उसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। बहुत कमाल कमाल की चीज़ आती है। तो लेट्स से अभी मैंने 1 हफ्ते से नहीं किया है, तो देखो यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें आई हुई हैं, जो कि डायनेमिक यूई प्लगइन, ये सब फ्री है। तो इनको मैं सबको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। स्टार गेमिंग, कोलिजन टिपिकल, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स मिल जाएंगे फ्री में, फ्री में मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको, बहुत कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो ये सब जैसे ही आप ऐड टू कार्ट कर लोगे, ऐड टू कार्ट में यहाँ पे आपको जाना है और उसको कर देना चेकआउट। जैसे आप चेकआउट करोगे ये आएगा, कुछ दिखाएगा कि अनसपोर्टेड आपने चीज़ें डाउनलोड की हैं, उसको कर दो कंटिन्यू एनी वे। ये सारा फ्री है, जीरो बैलेंस प्लेस ऑर्डर।
ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा जो भी मैंने खरीदा था। तो ये तीन कैटेगरी इसकी सिंपल सी, पहला जितनी भी आप अनिल जिनके वर्जन इंस्टॉल करते हो वो यहाँ पे शो होगा, माय प्रोजेक्ट्स में आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो भी आप क्रिएट करते जा रहे हो, एंड थर्ड इज़ वॉल्ट जहाँ पे आप जो भी मार्केट प्लेस से खरीदोगे वो सब यहाँ पे दिखेगा, चाहे वो फ्री हो पेड हो, जो भी आपने खरीदा वो सब यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, ठीक है, नहीं, अब इसको करते हैं लॉन्च। क्लिक किया और अपना ये लॉन्च हो जाएगा। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी डाली दी है लोगों के लिए, तो अगर आप किसी को हाई एंड चाहिए, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन हाई एंड है, अगर आपने वो ले लिया तो मतलब आने वाले 5 6 साल आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका सिस्टम मस्त चलेगा नेल के लिए। आप जब पहली बार खोलोगे थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि उसमें शीटर के मोबाइल चलते हैं, तो क्या होता है कि जो मैं किसी का क्वेश्चन में था कि सीपीयू और जीपीयू से कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, तो सीपीयू जितना अपना अच्छा होता है, जितने कोर का अपना सीपीयू होगा उतना शीटर कंपाइलेशन फास्ट होता है, और जितना सीपीयू कम कोर का होगा उतना टाइम लेगा। ठीक है, तो ये अपना एक ऐसा टैब खुल जाएगा, तो इसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, तो जितनी कैटेगरीज है उनके साथ एक सैंपल्स मिलते हैं। तो लेट्स से अगर आप गेम्स में आते हो तो गेम्स में आपने देखा होगा कि लेट्स से कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ये आपका जीटी हो गया, तो ये सब उनके टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आता है टेम्पलेट्स, लेट्स से किसी कॉल ऑफ ड्यूटी का टेम्पलेट चाहिए तो उसमें आपको बने बनाए कुछ गन्स के शूटिंग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ये थर्ड पर्सन है जिसमें आपको जीटी वाला आपको टेम्पलेट मिलेगा। टॉप डाउन हो गया आपका, जैसे आपने खेला होगा एम्पायर, क्या नाम था उसका, एज ऑफ एम्पायर, वो टॉप डाउन होता है, टॉप से दिखते कैरेक्टर सारे। फिर अपने पास आता है ये हैंडल यार, ये आपको बनाया बनाया सैम्पल है, आपको कोडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बना हुआ टेम्पलेट है पूरा का पूरा, तो इसमें जाके आप मॉडल चेंज कर दोगे, सेम फीचर के साथ आपका ऐप रेडी है, उसको बिल्ड कर देना एंड्रॉयड के लिए या आईफोन के लिए। फिर आते हैं वर्चुअल रियलिटी का, वर्चुअल रियलिटी में भी आपको बने बनाए वो मिलेगा सैंपल ऑफ कोड कि कंट्रोल के साथ, जैसे मैं बोला था कि सिंक करना हो ये सब करना होता है, कोई टेंशन नहीं है, सब बना बनाया इसके अंदर, आपको बस चीज़ें रिप्लेस करनी है। सेम व्हीकल का है, व्हीकल में आपको मूवमेंट होता है, लेट्स से मोस्ट वांटेड या एनएफएस के जितने भी गेमिंग है, तो उस टाइप का एक सैंपल इसमें मिल जाएगा। फिर हम आते हैं फिल्म के अंदर, फिल्म में आपको उनके जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, जैसा कि होता है कि इन कैमरा वीएफएक्स हो गया, जहाँ पे आपको ट्रैक कराना पड़ता है कि आपका कैमरा ट्रैक हो आपकी फिजिकल कैमरा के साथ करेक्ट, तो वो सैंपल ऑफ कोड्स मिल जाते हैं इसके अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं सेम आर्किटेक्चर में, तो अगर हम कोई आर्किटेक्चर वर्जन का प्रोजेक्ट करेंगे तो हम ये लेंगे, तो इसके कुछ प्लगइन्स हमें और सैंपल्स मिलेंगे। ठीक है, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया अपना, लेट्स से कोई आपको गाड़ी का सीजी शूट निकालना पूरा, तो उसमें आपको कुछ सैंपल ऑफ कोड्स और कंटेंट मिल जाएगा, जैसे इसके अंदर उन्होंने बनाया हुआ बटन्स विजुलाइजेशन के लिए, तो वो सैंपल ऑफ कोड्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट आता है आपका सिमुलेशन, सिमुलेशन में आपका हैंडल एआर, एआर और वीआर, ये सिमुलेशन के आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी टेम्पलेट जैसे भी आपको स्टार्ट कर रहा हो, तो अभी आपका चल रहा है लेट्स से, अभी तो हम इन्वायरमेंट बनाना सीखेंगे कि इन्वायरमेंट डिज़ाइन कैसे करते हैं, आर्किटेक्चर का डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं फिल्म के अंदर। आप फिल्म या आर्किटेक्चर का कोई भी ब्लैंक ले सकते हो, तो लेट्स से आर्किटेक्चर का ब्लैंक ले लिया मैंने, उसको नाम दे दिया क्लास डे वन। ठीक है, लोकेशन हमारी चेंज कर लेना क्योंकि इसका लोकेशन चेंज करना ज़रूरी है, अगर आपने सीडर रह दिया तो ये एक प्रोजेक्ट आपका नील का मतलब 30 30 GB, 40 GB, 50 GB तक पहुंच जाता है जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो, और आपका स्पेस भरता चला जाएगा, तो कीप योर स्पेस एम्प्टी स्टोरेज जिसमें भी आपको बनाना है, और यहाँ पे क्रिएट कर देना।
ठीक है, ये अपना इसका यूआई है। यूआई दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट उतना मुश्किल है नहीं, बहुत सिंपल यूआई है इसका। तो ये है अपना सबसे पहला यूआई था, वी पोर्ट। इसके कंट्रोल्स बहुत सिंपल है, आप स्क्रॉल करके आगे पीछे जा सकते हो। ठीक है, मिडिल माउस का होल्ड करोगे, जो मिडिल माउस बटन होता है, स्क्रॉल को आप प्रेस करोगे और तो उसको आप ड्रैग कर सकते हो। बट जिन लोगों ने गेम खेला होगा उनके लिए वीपोर्ट और भी ईजी चलाना। तो लेट्स से WSD में आप गाड़ी चलाते हैं, तो W से आगे, S से पीछे, E से लेफ्ट और D से राइट, ये वैसे ही चलेगा। आप इस कंट्रोल पे हो गए तो बहुत सेट हो जाता है, बहुत फ्रीली इसमें आप कंट्रोल कर पाते हो। एंड राइट क्लिक जो आपका, राइट क्लिक से आप इसको रोटेट कर सकते हो एट द सेम लोकेशन। तो क्या करना है आपको, WSD के साथ राइट क्लिक यूज़ करना है। तो मैं रोटेट भी करता जा रहा हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ WSD से। अगर किसी को याद होगा तो GTA Vice City के अंदर जो हेलीकॉप्टर कंट्रोल था वो Q और E करके होता था उसके अंदर, जिससे हमारा कैमरा सेम लोकेशन पे नीचे और ऊपर जाता है। तो जिन लोगों ने GTA और ये सब खेला है उनके लिए बहुत ईजी है जिनका व्यूपोर्ट चलाना। तो WSD राइट क्लिक के साथ चलता है व्यूपोर्ट, बहुत सिंपल। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेना, ज़्यादा नहीं, एक दिन में हो जाएगा, समझ में आ जाएगा एक दिन के अंदर में। ठीक है, व्यूपोर्ट का कंट्रोल्स इजी है, कोई मुश्किल नहीं, किसी दिक्कत होगी कंट्रोल में। ठीक है, उसके साथ हमारा नीचे आता है कंटेंट ब्राउजर। तो कंटेंट ब्राउजर क्या है कि ये आपके किसी और सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है, जैसे कि ब्लेंडर होता था। तो ब्लेंडर में आप क्या होता है, डायरेक्टली कोई भी टेक्सचर होता है या कोई मटेरियल होता है आप सीधा कॉल करा सकते हो, है ना। तो लेट्स से देख सुना है, अगर कोई ब्लेंडर या चलाया होगा तो उसमें कोई भी अगर इधर को मटेरियल में टेक्सचर डालना है तो डायरेक्टली डाल सकता है फाइल एक्सप्लोरर से, हाँ जी, हाँ जी, वो सीधा कॉल हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको कोई भी टेक्सचर या मटेरियल बनाना है वो सब पहले यहाँ रखना पड़ेगा। जब तक कुछ भी यहाँ पे आपका नहीं रखोगे तो आप उसको सीन में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे लेट से मेरे पास कोई ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, अभी मैं इस इमेज को डायरेक्ट व्यू पोर्ट में डाल सकता, ऐसे उठा के नहीं डाल सकता मैं। तो उसके लिए पहले मुझे इसको कंटेंट ब्राउजर में डालना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसका मटेरियल बना सकता हूँ। तो हमें जो भी हो करता, देखो अपने पास सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, हमारा कोई भी एक गेम हो या कोई फिल्म हो उसके इन्वायरमेंट में बेसिक चीज़ें क्या होंगी, पहले उसका मॉडल, जो भी आप किसी भी DC सॉफ्टवेयर से बना के ले जाओगे। लेट्स एक चेयर ले लेते हैं, तो आपने चेयर का एक मॉडल बनाया, तो चेयर का मॉडल एक पार्ट हो गया। फिर उसका एक टेक्सचर एक पार्ट हो गया कि टेक्सचर उसके चाहिए होंगे, चाहे वो वुड हो चाहे वो प्लास्टिक की हो। फिर उसका मटेरियल, करेक्ट, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि वो एक रिफ्लेक्टेड चेयर है या एक वुडन चेयर है, तो एक मटेरियल हो गया। और लेट्स से आप क्या चाहिए होगा आपको, यही होता है बेसिक, मॉडल, टेक्सचर और मटेरियल। तो वो मॉडल टेक्सचर का मटेरियल ना सब इधर ही बनेगा, ठीक है। इवन जो क्या होता है, जैसे आप ब्लेंडर में कोई सीन जब आप उसको सेव करते हो तो जैसे डॉट ब्लेंड सेव हो जाती है आपकी फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपका लेवल भी आपके प्रोजेक्ट में सेव होगा। तो लेट से मैंने कंट्रोल एन किया, एक एम्प्टी लेवल में गया, और जब उसको सेव करूँगा तो सेव भी देखो मेरे कंटेंट की लोकेशन बता रही है, यहाँ पे कंटेंट लिखा है और कंटेंट के अंदर यहाँ पे मैंने नाम दे दिया डेवर, करेक्ट। तो कंटेंट ब्राउजर के अंदर आप 50 लेवल बनाओ, 50 टेक्सचर डालो, 50 मटेरियल डालो, वो सब कंटेंट के अंदर रहने वाला है, लेकिन प्रोजेक्ट एक ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैंने प्रोजेक्ट ई ड्राइव के अंदर बनाया ना, ई अनिल प्रोजेक्ट क्लास टेबल, तो ये प्रोजेक्ट हो गया मेरा। यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, लेट से आपको एपिक लॉन्चर से अगर एक्सेस नहीं करना प्रोजेक्ट, तो जो भी आपकी लोकेशन है, जो हमने मैंने नाम दिया था क्लास टेबल का, वहाँ पर EXE हमारा, उसको डबल क्लिक करेंगे तो अपना प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। और ये उसकी कंटेंट की लोकेशन, तो यहाँ पे मैं जो भी बनाऊंगा सब यहीं पे आएगा,
तो आपका लेवल, टेक्सचर, मटेरियल, मॉडल सब आपको कंटेंट में रखना है। इवन जब आप सीन बनाने जाओ तो उससे पहले अपना कंटेंट रेडी रखो कि आपका टेक्सचर यहाँ पे सारे वो सारे मटेरियल सब बना के रखो, फिर आप सीन बनाना शुरू करो। ठीक है, अभी लेट्स से कंटेंट तो हमारा, मैं प्रिंटर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मैंने प्रिंटर ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ये बनाया इसके, लेग्स और सुन दीदी का ओवरऑल चैम्फर या बैवल। ठीक है, तो ये हमने इसको एक्सपोर्ट किया डेस्कटॉप, टेबल और अनरियल में। ये हमारा जो कंटेंट ब्राउजर है इसको हम इम्पोर्ट कर लिया टेबल को, लेकिन आपको जो भी चीज़ बनाना आप कोशिश करो कि इसको फोल्डर सेक्शन में बना के रखो। लेट्स अगर मुझे अपना ही मॉडल बनाना है, मुझे मॉडल रखना है कंटेंट के अंदर, तो मैं फोल्डर बनाऊंगा मैश मैशेस, फिर मैश के नाम से रख लो। ठीक है, उसके अंदर आपको इम्पोर्ट करना है। ये मैंने इंपोर्ट किया, अभी आप सेटिंग पे ध्यान मत दो, बस इंपोर्ट पे क्लिक कर देना, ये आपको टेबल मिल जाएगा। ठीक है, अभी टेबल कंटेंट में आ गया, अब मैं इसको सीन में डाल सकता हूँ। करेक्ट, मैं डायरेक्टली सीन से नहीं उठा सकता कुछ भी, तो जो भी मेरा टेक्सचर है या मॉडल है वो मुझे पहले कंटेंट के अंदर रखना है, उसके बाद ही मैं उसको व्यूपोर्ट में यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने मैच के फोल्डर बनाया वैसे ही मैं फोल्डर बनाऊंगा मटेरियल्स का। इस चीज़ की आप आदत अभी से डालोगे तो आपको कंपनी में थोड़ी वाहवाही मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी वालों को अच्छा लगता है जब कोई चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलता है पाइपलाइन के हिसाब से, फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज। वैसे ही लेवल्स का एक फोल्डर या उसको मैप्स, हम जनरली क्या होता है अनरियल की मतलब टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो जो भी हमारा सीन होता है तो हम उसको मैप बोलते हैं। तो कभी कोई कन्फ्यूज मत होना, कोई बोले लेवल या सीन, तो मैप, लेवल, सीन, ये तीनों सेम वर्ड है पर तीनों का मतलब एक ही होता है कि वो हमारे लेवल की बात कर रहे हैं। लेवल, मैप, सीन। तो मैप का मैंने फोल्डर बनाया और अभी के लिए उठा उसको इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको फोल्डर स्ट्रक्चर रखने हैं, मैप का फोल्डर, मटेरियल्स का, मैश का और टेक्सचर का। आगे चल के और फोल्डर सीखेंगे जब नई नई चीज़ आएंगी। लेट से आप पार्टिकल, आपने भी पार्टिकल बनाना है तो पार्टिकल का भी फोल्डर बना के रखोगे और फिर आप उसके अंदर चीज़ें डालोगे। ठीक है, तो कंटेंट के अंदर पूरा अपना जैसे माई कंप्यूटर चल रहा है वैसे ही आपका चल रहा है यहाँ पे, आप जितने मर्जी फोल्डर बनाओ और जैसे मर्जी उसको मैनेज करो, ये सब आपके हाथ में है। और जितना फोल्डर सेक्शन में चीज़ें रखोगे आपको ना, कल को अगर आप 50 चीज़ इसमें डालोगे तो ढूंढने में आसानी रहेगी कि अरे अच्छा मैप के अंदर मेरा मैप पड़ा होना चाहिए और मॉडल के अंदर, मैच के अंदर मेरा मैच पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना कंटेंट ब्राउजर का काम है। उसके बाद आता है अपना यहाँ पे आउटलाइनर। ठीक है, अब आउटलाइनर में क्या होता है, आउटलाइनर वो दिखाएगा जो भी हमारे सीन में पड़ा होगा। अभी मेरा सीन एकदम ब्लैक है, अभी ब्लैक होल समझ लो, खाली एकदम, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने अपनी टेबल भी डाल दी तो यहाँ पर टेबल आ जाएगी, मैं जितनी मर्जी टेबल डालता जाऊँगा ना उतना वो दिखाता जाएगा। सी, तो मैंने 5 टेबल डाली तो मेरी 5 टेबल यहाँ पे आ गई आउटलाइन में। तो मेरी तो कंटेंट में एक ही टेबल पड़ी थी बट मैंने उसको सीन के अंदर 5 बार डाल दिया, 6 बार डाल दिया,
तो बढ़िया 6 टेबल दिखा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको कंटेंट में आपको सीन भी बना रहे हो, लेट से आपने सीन बनाना है कि एक सिटी है ना, आप एक स्ट्रीट बना रहे हो, तो स्ट्रीट में आपकी स्ट्रीट लाइट तो बहुत सारी होंगी, तो ऐसे नहीं है आपको 10 स्ट्रीट लाइट 10 के 10 ही आपको ब्लेंडर इधर बना के उसको लानी है, नहीं आपको स्ट्रीट लाइट एक ही लानी है, लेकिन आपको प्ले सेंटर में 10 बार करोगे। तो लेट्स इमेजिन अगर मेरी ये टेबल स्ट्रीट लाइट मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ला के उसको कॉपी पेस्ट करके 10 बार लगाऊंगा मैं, तो आपको क्वांटिटी कम रखनी है अपनी, लेकिन आप उसको हंडल में आप जितनी मर्जी यूज़ करो। तो ये अपना प्रोसेस रहेगा, ठीक है, कोई भी सीन बनाने के लिए। तो ये अपना आउटलाइनर क्लियर है, यहाँ पे लाइट भी पड़ी हुई तो लाइट भी शो होगी, लेट्स अगर मैंने डायरेक्शन लाइट डाली तो यहाँ पे लाइट शो हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन लाइट लिखा गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हमारा एक डिटेल पैनल है, लेट्स से अगर एक मॉडल है तो उस मॉडल के कुछ अपने पैरामीटर्स होंगे और प्रॉपर्टीज होंगी, जो कि ना तो अभी तक आपको कंटेंट ब्राउजर में दिखाई दे ना ही आउटलाइन में दिख रही है, चाहे वो कुछ भी हो, लेट्स से एनीथिंग हो, कि उसका मटेरियल क्या है, उस पर क्या नहीं है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स होते हैं वो हमें दिखते हैं डिटेल्स पैनल में। तो उसकी लोकेशन है, मैंने सीन के अंदर किस लोकेशन में डाला वो दिखाता है मुझे, उसकी क्या रोटेशन है और क्या स्केल है। तो डिटेल पैनल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कभी सीन में खो जाओगे, आपके सीन में 50 चीज़ें पड़ी हुई होंगी, आप बोलोगे मेरे को पैरामीटर्स नहीं मिल रहे, सेटिंग्स नहीं मिल रही, तो जब तक आप सीन में सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक डिटेल्स दिखाएगा नहीं, आप बस उसको सेलेक्ट करो डिटेल में उसकी ही की डिटेल दिखेंगी। मैं लाइट सेलेक्ट करूँगा मुझे लाइट की डिटेल्स दिख जाएंगे, लाइट के पैरामीटर्स दिखने लग जाएंगे। करेक्ट गुरु, गुरु समझ में आ रहा है? जी सर, ठीक है दक्ष, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं अभी तक क्लियर है। मनीष आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभी तक? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी मुझे अगर लाइट का अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं कहाँ देखूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, सीधा डिटेल्स में जाऊँगा और मुझे दिख जाएगी, लाइट को सेलेक्ट करूँगा सीधा डिटेल्स पैनल में देखूँगा, उसकी इंटेंसिटी कलर सब दिख जाएगा। ठीक, तो ये अपना कंटेंट ब्राउजर, व्यूपोर्ट, आउटलाइनर और डिटेल्स, ये एकदम क्लियर है, ये एकदम बेस है अनरियल का। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, ब्लेंडर चलाते हो, मैक चलाते हो, तो उनका अपना एक वो होता है, लाइब्रेरी होती है, चाहे वो क्यूब क्यूब ब्लेंडर इधर ही होता है ना, अगर मैं जाऊँगा तो ऐड के अंदर मुझे एक क्यूब ही क्यों ना मिले या स्प्लेन मिले, तो ये सब अनरियल के अंदर भी है। ये जो प्लस का साइन है ना, अगर आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ब्लेंडर की तरह सेम चीज़ है, यहाँ पे बेसिक में जाओगे तो आपको बेसिक शेप्स मिलेंगी, लाइट्स के अंदर आपको लाइट्स मिल जाएंगी, और शेप्स में आपको एक क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, प्लेन, ये सब मिल जाएंगे, तो आप प्लेन डाल सकते हो, इस प्लेन को बड़ा कर सकते हो। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा साइन है, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ऑब्जेक्ट अपने आप 0 पर पहुंच जाएगा, लाइट पर क्लिक करके छोटे से आइकन पे क्लिक करो ना, वो रीसेट हो जाता है, उसकी रीसेट लोकेशन पे पहुंच जाएगा। मैं लाइट लूंगा तो लाइट डाल सकता हूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर क्या एटमॉस्फेयर डालूंगा, रोटेशन क्या चीज़ मनीष? किस पे आता लोकेशन वाले एरर पे है? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही मनीष तुम्हारी ना। बहुत कट भी नहीं है थोड़ी वाली। लोकेशन का पूछ रहा था मैं कि लोकेशन को जैसे राइट क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो राइट क्लिक आप बोल रहे थे ना कि 0 पे लाने के लिए। हाँ, नहीं राइट क्लिक नहीं किया मैंने, राइट क्लिक नहीं करना, ये जो छोटा सा ये एरो है ना, नहीं, 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 नहीं।
बस फिर लेफ्ट क्लिक कर दो, नॉर्मल एक लेफ्ट क्लिक मार दो, अपने आप जीरो पर चला जाएगा। वो कभी कभी होता है कि सीन में ना क्या होता है कि जब भी आप पजल में कोई भी सीन शुरू करोगे उसको हमेशा जीरो से शुरू करना है हमेशा, क्योंकि जब फिल्मों में जाओगे ना VFX में वो लोग मांगते हैं कि हमारा सीन एकदम जीरो से ही होना चाहिए, उसका ग्राउंड लेवल जीरो होना चाहिए। हाँ इवन आर्किटेक्चर में जाओ तो भी आपको जीरो का ध्यान रखना है। तो कोई भी पहले मैं सबसे पहले ये करता हूँ, मैं सबसे पहले कोई भी क्यूब होता है या प्लेन होता है ना सबसे पहले उसको जीरो पे लेके जाता हूँ, फिर मैं अपना सीन शुरू करता हूँ। हमारी भी वही आदत है, नेक्स्ट में भी कर लेगी ना। हाँ करेक्ट, जिनको आदत है उनको तो पता होगा कि पहले से ही उसको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता हाँ नेक्स्ट में भी है। है। करेक्ट, और रोटेशन में अगर जैसे रोटेशन में भी हम लेफ्ट क्लिक करते हैं अगर एरो पे, तो तो रिसेट हो जाएगा, रोटेशन में वो जीरो हो जाएगी वैल्यू। ये भी जीरो हो जाएगा। देखो मैं रोटेशन में क्लिक करता हूँ इसकी, इसके देखो ये, हाँ अभी लेट से मान लो ये क्यूब था, ये टेबल पे कर लेता हूँ, टेबल का मैंने रोटेशन दे दिया, ठीक है महसूस, इस पर क्लिक करूँगा वो जीरो पे हो जाएगी, 0 0 0। ठीक है लाइट पे, मैं डायरेक्शन लाइट पे करूँगा ना, अगर मैं डायरेक्शन लाइट को घुमा दिया तो इस पर 0 0 नहीं चलेगा, मैं इसको रिसेट करूँगा ना तो 0 0 -46 रहा, क्योंकि इसकी बाई डिफॉल्ट सेटिंग -46 है, ये अनिल वालों ने अपना सेट किया हुआ है, इसलिए लाइट के साथ वो नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन लाइट के साथ ऐसा नहीं होगा, बाकी आप अपने क्यूब ऑब्जेक्ट का जो मर्जी करो उसको रिसेट करने के लिए, है ना। ठीक है तो आपका कंटेंट ब्राउजर क्लियर है, आपका आउटलाइनर क्लियर, डिटेल पैनल क्लियर है, और ये मैंने आपको बताया बेसिक कि आपका ये जो अनिल का अपना कंटेंट या सैंपल्स है वो आपको यहाँ मिलते हैं। ठीक है तो ये ऊपर के जो आपको बटन ये क्लियर है, ठीक है यहाँ पे एक मोड है सिलेक्शन मोड, ये अनिल के आप आगे चल के सीखोगे इसके अंदर, अनिल के अंदर लैंडस्केप है या फॉलीज है, मॉडलिंग टूल है, ये सब अनिल के अंदर नए नए टूल्स हैं लैंडस्केप क्रिएट करने, यानी कि जैसे अपना माउंटेन्स हो गया, कोई भी लैंडस्केपिंग हो गई तो सब यहीं से क्रिएट करते हैं, तो फॉलीज अपना यहाँ से हम फॉलीज पेंट करते हैं, तो ये सब सीखेंगे अभी, अभी हम उस पर जाते नहीं है, बट हाँ ये अनिल के जैसे होता है ना ब्लेंडर होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर यहाँ पे एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, ऐसे उसके अपने मोड्स हैं, तो अभी हम सिर्फ प्लेसमेंट कर रहे हैं चीज़ों की, टेबल चेयर डालने का काम है अपना, यहाँ पे मटेरियल डालने का काम है, तो अभी इसलिए हम सिलेक्शन मोड में रहेंगे, लेकिन जब हम आएंगे लैंडस्केपिंग पे कि हम अपने को लैंडस्केप करना है यार, लैंडस्केप अपना स्कल्प्ट करना है, तब हम लैंडस्केप मोड में आएंगे। कभी कभी होगा कि आप लैंडस्केप मोड में आ जाओगे लेकिन आप चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, आप गलती से लैंडस्केप मोड में आ चुके हो तो आप सिलेक्ट जब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको सिलेक्शन मोड में नहीं जाओगे, तो हमेशा याद रखना आप गलती से किसी मोड में आ जाओ वापस सिलेक्शन मोड में आना ही पड़ेगा आपको कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने के लिए, नहीं तो आप लाइट और ये टेबल सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पे एक प्ले का साइन दिख रहा है, ये जब आप गेम बनाओगे ना, आप आर्किटेक्चर में कोई गेम बना रहे हो या फिर नॉर्मली कोई गेम बना रहे हो, तो वो गेम क्या होता है, ये तो आपका व्यूपोर्ट के कंट्रोलर हो गए WSD या राइट क्लिक से जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर आप गेम के अपने कंट्रोल्स बनाओगे, जैसे आप चाहते हो कि मैं F दबाने पे गाड़ी का डोर खुल जाए या W दबाने पे मेरा कैरेक्टर आगे बढ़े, और तो वो सब आपको कब दिखेगा जब आप ये प्ले दबाओगे, ये प्ले कर दिया आपका प्ले मोड चालू हो जाएगा, तो अपने गेम के अंदर जितनी भी कोडिंग की है जितने भी लॉजिक्स क्रिएट करें वो तभी आपको शो होंगे जब आप उसको प्ले करोगे, वरना आपको नहीं दिखेंगे, और आपको स्टॉप करना हो तो एस्केप कर दो बस, वो अपना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है प्ले स्टॉप, तो अभी मनीष अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने ना आर्किटेक्चर का लिया हुआ है अभी टेम्पलेट, है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं ये आप चाहे तो नोट डाउन कर लो, यहाँ आप लिख लो, जब भी आप एडिट में जाना है और आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है, इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं तो अभी कन्फ्यूज़ मत होना, एडिट के अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग्स और सबसे नीचे होगा रेंडरिंग, यहाँ पे आपने को मिल गया रेंडरिंग, ठीक है रेंडरिंग के अंदर आपको बस ये सेटिंग्स का ध्यान रखना है, मैं कन्फ्यूज़ ना हो इसके लिए मैं बाकी सबको कोलैप्स कर देता हूँ, और जितनी सेटिंग्स को ध्यान देना उन्हीं को ऑन रखता हूँ।
ठीक है, ये रिफ्लेक्शन लुमेन शेडो ये कुछ सेटिंग्स हैं। अभी के लिए चाहे तो आप इनको रट लो, बट आगे चल के मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि सेटिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है, उनका मतलब क्या है। तो अभी हार्डवेयर रे ट्रेसिंग के अंदर ना ये रे ट्रेस शेडो ऑन है, इनको ऑफ कर लेना, सॉरी एलओडी को रहने देना चाहे तो, पर रे ट्रेस शेडो को ऑफ कर लेना। उसके बाद हाई क्वालिटी ट्रांसलुसेंसी रिफ्लेक्शन को ऑन कर लेना, और यहाँ पे इसको हिट लाइटिंग रहने देना। तो रुको, ये सेटिंग को ये रखना है, इस सेटिंग को ये रखना है, और इसको रखना है डिसेबल। ठीक है, ये सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो अपनी स्क्रीन पे, ये सेटिंग को ही रखना है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ चेंजेस होंगे जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होगी कंटेंट की। रिफ्लेक्शन ऑन रखना है इसको, ये जब बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है आप इसको ऑन रखना। हाँ, मैंने ऑन कर दिया, और यहाँ पे सरफेस कैच दिखाएगा, यहाँ पे इसको हीट लाइटिंग फॉर रिफ्लेक्शन रख लेना है। ठीक है, कर दूँ मैं क्लोज इसको। ठीक है, तो अभी अनिल के ना आपको ये इतना बेसिक तो क्लियर हुआ कि हाँ यार वीपोर्ट में चलाना क्या है, एक ट्यूब क्यों डालना हो या टेबल डालनी हो तो कैसे डलेगा। बट अनिल का ना सबसे बड़ा फायदा होता है कि अनिल के पास ना ब्रिज करके लाइब्रेरी है। अब ब्रिज क्या है, ब्रिज बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो एक थर्ड पार्टी ने बनाई थी, बट उसने अनिल के साथ कोलैब कर लिया, तो वो सब आपको फ्री में मिलेगा ब्रिज में। आप जितना भी देखोगे, आप उसकी लाइब्रेरी को एक्सेस करना हो सिंपल है, यहाँ पे प्लस का साइन है जहाँ से हम बेसिक शेप सेट कर रहे थे, वहीं पे आपको दिखेगा यहाँ पे क्विक्सेल ब्रिज। हाँ, ये क्विक्सेल ब्रिज बहुत काम का चीज़ है आपके लिए। इसके अंदर आपको सारे बहुत ही मतलब हाई एंड लेवल के जो होते हैं ना, आपको GTA 5 से भी अच्छे मटेरियल जो उसमें यूज़ हो रहे होंगे उससे अच्छे मटेरियल्स आपको यहाँ मिलेंगे। मटेरियल्स मिलेंगे आपको, एसेट्स मिलेगा आपको, आपको फॉलेज ग्रास ये सब मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे भी आपसे लॉगिन पूछेगा, तो लॉगिन में आपको अपना जो आपने एपिक का अकाउंट बनाया वही सेम अकाउंट डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर एक कोड मांगेगा, आपको कोड का बस कॉपी पेस्ट कर देना। ये कॉपी पेस्ट किया और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। अब क्विक्सेल की कैटेगरीज हैं यहाँ पे, 3D एसेट, 3D प्लांट, सरफेस, डीकल्स और इम्परफेक्शन। 3D एसेट में आप जाओगे तो आपको जो मॉडल्स होते हैं ना बने बनाए वे टेक्सचर मिलेंगे आपको बहुत डिटेल में, चाहे आपको एक लकड़ी हो या पत्थर हो वो सब मिलेगा। तो लेट्स से मुझे एक पेड़ का कुछ डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। लेट्स से मुझे ये अच्छा लग रहा है स्कल, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वालिटी क्या रखती है, मीडियम क्वालिटी, तो चार क्वालिटी है इसमें, लो क्वालिटी, मीडियम, हाई क्वालिटी और नेनाइट। नेनाइट एक्सट्रीम क्वालिटी होती है, नेनाइट प्योर एकदम मैश होता है, तो जब आपको ऑप्शन मिला नेनाइट का तो नेनाइट ही करना है। ये आपने डाउनलोड किया, आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा अच्छा होगा तो फटाफट हो जाएगा। मॉडल बहुत ज्यादा रिफाइन है या फिर इसका टेक्सचरिंग जो है वो इसका मॉडल बहुत रिफाइंड होता है, मॉडल रिफाइंड होता है, टेक्सचर भी बहुत रिफाइंड होता है इसका। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल होता है ना ये विदाउट नेनाइट वाले, इनमें क्या होता है एलओडी से बनाए होते हैं, इन्होंने एलओडी डाली हुई होती है, तो एलओडी में तो क्या होता है कि थोड़ा ब्लर हो जाता है मैश कहीं कहीं, उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, पर नेनेट एकदम फुल्ली मतलब डिटेल वाला। तो नेनेट किया और इसको कर देना ऐड, आपको क्लिक एक्सट्रीम
ऐड पे क्लिक करेंगे आप, ऐड पे क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी में आ जाता है। हाँ ऐड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो यहाँ पे चालू हो जाएगा वेटिंग फॉर स्टैटिक मैच। मैं नेनाइट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेनाइट होता क्या है बेसिकली, काम कैसे करता है। ठीक है तो देखो जैसे ही आपने डाला ना ये कंटेंट आपका मेन फोल्डर था ध्यान रखना। तो हमने तो बनाए थे यहाँ पे मैप मटेरियल पार्टिकल टेक्सचर, पर यहाँ पे दो फोल्डर एक्स्ट्रा मिल गएंगे आपको, MS प्रीसेट और मेगा स्कैन। ये दो फोल्डर जब बन जाते हैं जैसे ही आप मेगा स्कैन से ब्रिज से कोई भी मटेरियल लेते हो कोई भी एसेट लेते हो ये दो फोल्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे, MS प्रीसेट और मेगा स्कैन। मेगा स्कैन आपका मेन फोल्डर है जो भी आपका एसेट होगा 3D एसेट, जब आपके मटेरियल होगा तो सरफेस डीकेस ऐसे करके वो कैटेगरीज बन जाएगी। तो ये मैंने 3D एसेट निकाला, इस फोल्डर में जाऊंगा और ये मुझे एसेट मिल गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना ये चीज़ तो आपको दिख रही होगी पर उसके नीचे कलर भी दिख रहा होगा, ग्रीन कलर, ये लाइट ब्लू, ये रेड रेड रेड। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब भी जिसके नीचे ग्रीन लाइन हो ये समझ लेना आपकी मटेरियल है, जिसके नीचे ब्लू लाइन दिखे वो मैश होता है अपना, और जिसके नीचे रेड रेड दिखता है ये होता है अपना टेक्सचर, ये पहचान होती है। तो जिसके नीचे रेड रेड दिखे वो टेक्सचर, ये मैश और ये मटेरियल। तो हमें क्या डालना है, हमें डालना है मैश। और जब भी आपको सेव करना है तो हमेशा सेव वॉल पे क्लिक करना, सिर्फ सेव पे क्लिक मत करना। यहाँ पे आप सोचो कंट्रोल एस करोगे आपका सीन सेव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेव वॉल ही करना है आपको जब भी करना है। ठीक है इस सेवल पे क्लिक करके पूरा सीन सेव हो जाएगा ना। पूरा सीन सेव हो जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं है। आपने सोचा कि मैं यहाँ से सेव कर लूँ या सिर्फ कंट्रोल एस दबा दूँ, गलती मत करना नहीं तो आपका सीन क्रैश हुआ ना तो आपका सब जाएगा। तो इसलिए हमेशा सेव ऑल, और आप कुछ भी एसेट इंपोर्ट करो ना सबसे पहले आप सेव ऑल करो, तो सेव ऑल का ध्यान रखना है। ठीक है ये मेरा मैच है, ये मैच को मैंने उठा के डाल दिया इस पर, मैच थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। तो अब इसका क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखोगे ना बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, बहुत डिटेल में बनाते हैं लोग। अब लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब आप इम्पोर्ट करे थे उसमें नेनाइट आया, तो कभी हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछ लेगा कि नेनाइट का मतलब क्या है, नेनाइट होता क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नेनाइट होता क्या है। आपको ये तो पता है कि नेनाइट है पर है क्या। तो देखो नेनाइट दिखता कैसा है पहले मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ना इसके मोड्स है, जैसे प्रस्पेक्टिव होता है ना आपका मैक्सिमम आया में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ऐसे ही अनरियल का है। वैसे ही लिट होता है यहाँ पे, लिट में क्या होता है आपको जैसे पास होता है ना पासेस होता है वो पासेस टाइप दिख जाते हैं, कि वायर फ्रेम दिख जाता है आपको, जैसे मैक्सिमम ब्लेंडर में वायर फ्रेम होता है, वैसे इसके अंदर अनलिट मोड है, वायर फ्रेम है, रिफ्लेक्शन होता है। अब वही नीचे आओगे ना आप नेनाइट करके, नेनाइट के अंदर ओवरव्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको नेनाइट का ओवरव्यू दिखेगा। तो ये आपका नेनाइट का मैं सीन दिखा रहा हूँ, देखो ट्रायंगल्स। तो बिजली नेट वर्क कैसे करता है कि जहाँ पहले एलओडीज बनाया करते थे तो हम खुद डिसाइड किया करते थे कि यार ठीक है इसमें इतने पॉलीकोन छोड़ देते हैं तो अपना सीन हैवी नहीं होगा और लैग नहीं करेगा। लेकिन नेनाइट क्या करता है, नेनाइट डिस्टेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ बड़े बड़े ट्राइंगल्स हैं और पीछे छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल्स रियल टाइम चल रहे हैं। मैं दूर जाऊंगा ट्राइंगल चेंज होते हैं, ये देखो ये ट्राइंगल्स बड़े हो गए। तो ये क्या करते हैं सीन में डिस्टेंस के हिसाब से, जैसा आपका कैमरा डिस्टेंस रहेगा ना उसी हिसाब से ट्राइंगल्स को अपना ऑप्टिमाइज कर लेता है ये तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है ये, अभी तक किसी के पास यूनिटी में भी नहीं है टेक्नोलॉजी अभी तक डेनाइट की। तो ये ट्राइंगल्स देखो बड़े होते हैं, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली उसने मैच को ऑप्टिमाइज कर लिया ट्राइंगुलेट बेस पे, और जैसे जैसे पास जाऊंगा उतने ट्राइंगल छोटे छोटे हो जाएंगे, जितने छोटे ट्राइंगल उतना हाई डिटेल, जितने बड़े ट्राइंगल हो यानी कि उतना वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। गॉट इट? तो ये चीज़ आपको इंटरव्यू पूछ लेता है कि नीनेट का मतलब क्या होता है, आपको एनएल के टेक्निकल वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है वापस हम लेट मोड। क्लाउड के अकॉर्डिंग जो है मैच को ऑप्टिमाइज करता है।
हाँ डिस्टेंस बेस्ड पर, करेक्ट। आप उसको सिंपली ये बोलो कि हमारा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बेस, वो ट्रायंगुलर बेस पे उसको ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज कर देता है कैमरा डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को चाहिए एक मटेरियल टेबल के लिए, मैं जाऊंगा मटेरियल पे, और जहाँ से मैंने अभी 3D सेट निकाला था ना, इससे हमारा क्या बनी? हमारे सीन में भी कुछ वो आता होगा, जैसे कि मतलब नैनाइट का अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो सीन हमारा हैवी होता है इससे। नेनाइट सही, हाँ बिल्कुल होता है ना। मतलब अगर मैं नेनाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं सीन में मैच डालते ही जा रहा हूँ डालते ही जा रहा हूँ, तो मेरा सीन में ना लैग करने लग जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे ना तो किसी भी चीज़ का ना आप सिस्टम पे चला दो तो एक FPS होता है, देखो यहाँ अपना एक शो FPS करके है, ये दिख रहा है तीन हाँ फ्रेम पर छोटे टाइम, सेकंड हाँ ये FPS अभी देखो ना FPS ना एकदम दिखा रहा है 100। लेकिन जैसे देखो मॉडल की तरफ देखूंगा ना, ये देखना FPS कितना चल, मैं मॉडल को नहीं देख रहा था अपने स्कल को, तो मेरा 110 120 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं मैच को स्कल को देखने लग गया वो मेरा 105 106 पे आ गया, करेक्ट। तो इसलिए मेरा नेनाइट इसलिए काम करता है कि ऑप्टिमाइज रखता है चीज़ों को, और जितना सीन में आप हैवी मैच रखोगे उतना सीन आपका लैग करना स्टार्ट कर देगा। तो कोशिश करो आप सीन में जब भी कोई मैच डाल लो वो नेनाइट होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का, चाहे वो आप एक ट्री डालो चाहे वो आप एक टेबल डालो, बट उसको नेनाइट अपने रखो। सीन को प्लेलाइट बना सकते हैं। हमारा सीन को क्या कर देता है? जैसे खुद का सीन है उसको भी हम प्लेलाइट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरा टेबल था, मैंने इम्पोर्ट तो कर लिया पर मैंने उसको नेनाइट नहीं किया हुआ, अगर देखोगे तो नेनाइट में सिर्फ मेरा अभी तक वो टेबल ही दिखेगा। मैं अगर चेक करता हूँ मैं ट्रायंगुलेट में गया तो देखा सब ब्लैक दिख रहा है, सिर्फ मेरा ये स्कली नेनाइट दिख रहा है। तो टेबल के नेनाइट ऑन कैसे करना? सिंपल है, अपना मॉडल के पास जाओ पहले, तो ये अपना मैश आ गया, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे लिखा होगा नेनाइट, राइट क्लिक करोगे तो इस पर यहाँ देखो यहाँ पे एनेबल नेनाइट वन मैश आ रहा है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा कन्वर्ट हो गया, विद इन अ सेकेंड ये कन्वर्ट कर देता है। अब देखो मैं लिट में जाता हूँ नेनाइट और ट्रायंगुलेट, तो मुझे ट्विट टेबल, मेरी टेबल और उसका दोनों ही नेट में दिख रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसे काम करता है, अपने मॉडल को ध्यान रखो कि नेट में आप उसको कन्वर्ट करते रहना, तो सीन आपको कभी लैग नहीं करेगा, आप चाहे कितना बड़ा सीन बनाओ कितना बड़ा भी। और नेट सेव कर, इसको सेव कर लो, ठीक है। तो वापस से अभी एक निकालते हैं मटेरियल, हमने एक मॉडल मिल गया, अब एक निकालते हैं मटेरियल कोई अच्छा सा। तो हमने 3D सेट में अपने एसेट्स देखा, अब 3D प्लांट में अपने पास प्लांट मिल जाते हैं, हमें जो मटेरियल चाहिए होता है मटेरियल मिलता है सर्फेसेस के अंदर, ये कॉल भी एंड होने वाली होगी तो सेम उसी लिंक पे ज्वाइन करें ना गाइस, ठीक है। तो सरफेस में आएंगे ना तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे, एसफॉल्ट बाग ब्रांच कोइल ग्रास ग्राउंड मार्बल मेटल, सारी कैटेगरीज हैं जो भी आपको चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं सर्च करता हूँ वुड, तो वुड की बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स मिलेंगे, लेकिन कुछ ये सिंपल वुड लेट्स एक फ्लोर के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, एक ग्राउंड पर डालने के लिए। अच्छा मटेरियल आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा नेनाइट का, यहाँ पर सिर्फ आपको लो मीडियम हाई मिलेंगे, क्योंकि मैच एक डिफरेंट चीज़ है और मटेरियल अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना कि मटेरियल के अंदर नेनाइट नहीं आता, नेनाइट सिर्फ मैचेस के अंदर होता है मॉडल्स के अंदर होता है। जैसी हम क्वालिटी हाँ मैं इस तुम्हारा एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम इसके मटेरियल देखते हैं तो इसका लाइब्रेरी में है, तो
हम जैसे अगर खुद से मटेरियल करते हैं देखो तो क्या हम ये गिरा सकते हैं? क्वालिटी क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ें समझने की। कभी भी कोई मटेरियल होता है ना, उसकी जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है उसका टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर जितना क्वालिटी का आपका होगा उतना रियलिस्टिक चांस है कि आपको उतना सीन उतना रियलिस्टिक लगेगा। तो ब्रिज आपको देता है 4K की टेक्सचर, 4K 8K की आपको टेक्सचर देता है, ये बहुत ही हाई डिटेल होता है। आपकी खुद के अगर टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं तो आप उनको क्या है कि ब्रिज के मटेरियल साथ रिप्लेस कर सकते हो। आप खुद का मटेरियल बनाओगे, ब्रिज क्या कर रहा है, ब्रिज ने बेसिकली आपको पैरामीटर्स देती है बना के। अगर मैं देखो इसके, उसने तो टेक्सचर तो आप अपने रखो, चाहे उसके यूज़ करो चाहे आपने रखो, बात सेम है। वो तो आपको बस पैरामीटर्स दे रहा है बना के, ब्रिज कुछ अलग से वो नहीं करता, उसमें ऐड ऑन नहीं करेगा। मैं लेकिन एक दो चीज़ एडवांस है जो बताऊंगा, जहाँ पे ब्रिज ऐसा क्या गेम खेलता है जो आप नॉर्मली आप लोगों को पता नहीं होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज ऐसा क्या करते हैं कि उसके मटेरियल हमें अच्छे लगते हैं और बाकी अच्छी नहीं लगते। इंडिया तो मैंने देखा है, थोड़ा हैरानी तो इसकी होती है बहुत ज्यादा, मतलब दिया होगा काफी कुछ उसमें से। है दो तीन चीज़ें जो ब्रिज थोड़ा करता है टेक्सचरों के साथ जो हम नहीं करते नॉर्मली। हम जब टेक्सचर इंपोर्ट करते हैं ना तो वो हम अपने टेक्सचर के साथ नहीं करते हैं। डिस्प्लेसमेंट डाल दिया, नॉर्मल मैप डाल दिया, ये सब चीज। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो अभी अगर देखोगे तो हमारे कंटेंट के अंदर, मेगा स्कैन के अंदर, सरफेसेस के अंदर, ये देखो वुडन प्लैंक का मटेरियल मिल गया। वापस से वॉल करेंगे, और उसको उठा के हमने डाल दिया मटेरियल से पहले, उठा के डाल दो। ठीक है, लेकिन अब इसकी टाइलिंग बहुत बड़ी बड़ी आ रही होगी ना, तो टाइलिंग छोटी करने के लिए मैं दिखा रहा था उसके पैरामीटर्स दिखते कैसे हैं मटेरियल के। ये मटेरियल पर डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ पे इसके पैरामीटर्स आ गए। अभी के लिए इतना ध्यान मत देना टाइलिंग पे, क्योंकि नहीं तो लोग आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अभी पहली क्लास है तो हो सकता है कभी थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया तो मुझे बता देना, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तभी बस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ से मटेरियल्स मिल जाएंगे और यहाँ से मॉडल मिल जाएंगे। हम डिटेल में भी चलेंगे, थोड़ा टाइम बाद चलेंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, सबसे पहले ये व्यू पोर्ट की प्रैक्टिस करनी है, मूवमेंट की, आप व्यू पोर्ट में इजली चला पाओ। कॉन्टेंट में चीज़ें डालना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, कोई मॉडल से क्यूब, चाहे ब्लेंड से, चाहे क्यूब डालो चाहे प्लेन डालो, वो आप प्रैक्टिस करनी है। आउटलाइन के अंदर आप चाहे लाइट डालो, अपने मॉडल्स डालो, इसकी प्रैक्टिस करो। और ब्रिज से भी आप एक्सेस है, आपको ब्रिज से कोई भी एसेट डालना हो ना, आप बेझिझक होकर उसको डालो सीन के अंदर, क्योंकि ये तो अपने हाथ की चीज़ है। और मैं एक वो बताता हूँ कि चीज़ों कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, एक शॉर्टकट है। जैसे आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, आपको इसका डुप्लीकेट लेना है, तो ऑल्ट को होल्ड कर रखो, होल्ड ऑल्ट एंड ये ड्रैग कर दो, आपको किसी भी एक्सेस में, जिस एक्सेस में आपको चाहिए ना उसमें ड्रैग कर दो, तो आपको डुप्लीकेट मिल जाता है। ऑल्ट होल्ड लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग कर लो, तो ये आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना विपुल चीज़ है। अच्छा वो होता है कि आपको यार लाइट तो मैं लगा लिया, मैंने मैंने मैच भी डाल दिया, आप कैमरा वैमरा का क्या सीन है? तो कैमरे के लिए ना बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ, अपना व्यूपॉइंट के अंदर ही पहले एक वो ढूंढ लो, आपको एंगल कौन सा अच्छा लगा। लेट्स से मुझे एक एंगल अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन आपको एरर दिख रहे हैं लाइंस, क्लिक करो, क्रिएट कैमरा और साइन कैमरा एक्टर। आप जिस व्यूपॉइंट में, जिस लोकेशन में देख रहे हो ना, उसी एंगल में कैमरा लग जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैमरा को सीन में डालो, उसको रोटेट करो, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है जॉब। तो जो भी एंगल पसंद आए, कोई भी एंगल, जिस एंगल में आपको अच्छा लग रहा है, आपको अपना सीन क्लिक करो, क्रिएट कैमरा हेयर और साइन कैमरा। हमें साइन कैमरा लगाना है, नॉर्मल कैमरा नहीं लगाना है।
हमें साइन कैमरा एक्टिव लगाना है, हमने क्लिक किया, ये हमारा कैमरा लग गया। तो अगर आप देखोगे आउटलाइन में तो हमारे पास यहाँ कैमरा ऐड ऑन हो चुका है, पर कैमरा ऐड हो गया लेकिन मैं अभी कैमरे में नहीं हूँ। ये देखो मेरा कैमरा ऐड हो गया यहाँ पे, पर मैं अभी कैमरे में नहीं हूँ। तो कैमरे में अगर आपको जाना है ना तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिख रहा है, जहाँ से आप नॉर्मली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देखते हैं, वहीं आपको नीचे आपका कैमरा मिल जाएगा। क्लिक, और ये वापस कैमरा व्यू पे आ गया। कैमरा व्यू से हटना है, छोटा सा दिख रहा है ना, वापस क्लिक करो, आप कैमरे से हट जाओगे। कैमरा पे आना है, कैमरे से हट जाओ, ठीक है। वापस आप कैमरा में जैसे आते हो वापस आप कैमरे में भी सेट कर सकते हो अपनी रिपोर्ट में आके। तो अल आप भी कैमरे में हो, और कैमरे में आके मैं अपने कैमरे को सेट कर रहा हूँ, जो भी मेरे को एंगल अच्छा लगता है मैं वो रख लेता हूँ। ठीक है, अभी लेकिन देखो क्या हो रहा है कि मेरा ना सीन बहुत क्लीन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको सिर्फ गिज़्मो दिख रहा होगा चीज़ों का। इसमें ना अनिल में एक शॉर्टकट की होती है जी, अगर आप सीन के अंदर जी प्रेस करोगे ना तो आपको गेम व्यू दिखता है, उसको मतलब फ्लिप मतलब ऐसे ऑन ऑफ करोगे ना जी से, तो देखो आपको चीज़ें दिखती है और कुछ चीज़ें नहीं दिखती। ये दिख रहा आपको कि हाँ मेरी लाइट तो दिख रही थी लेकिन जी प्रेस करने के बाद वो नहीं दिखती है। तो जी क्या करता है बेसिकली, आपको जी अगर आप प्रेस करते हो ना तो आपको गेम व्यू दिखाता है। गेम व्यू यानी कि ये आप हो गया आपका जो आप व्यूपोर्ट में आपको काम करने के लिए चाहिए, कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए चाहिए, पर आप ये नहीं चाहोगे ना कि गेम के अंदर यार ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे दिखे, तो वो आपको कैमरे में एक्चुअली दिख क्या रहा है, आपको गेम में दिखने क्या वाला है, उसको दिखने के लिए सिर्फ आप जी प्रेस करो। ओके, ये मुझे गेम में चीज़ें दिखने वाली है और ये मुझे सिर्फ व्यूपोर्ट के लिए नॉर्मल है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की जी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अपने कुछ भी मनपसंद लाइट लगा सकते हो, लेट्स सी, आप कोई भी छोटे छोटे शॉट क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी ड्रामेटिक शॉट निकाल सकते हो। आजकल तो एक चैनल है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा उसने बंदे ने किया, वो अनिल से क्या करता है, वो हॉरर क्लिप बनाता है अनिल इंजन से, घूस बस्टर करके, जाते से मेरे को याद होगा, वो पूरा सारे शॉट अपने अनिल इंजन पे ही बनाता है। अनिल हॉरर क्लिप, अभी एक बंदे ने ये बनाया, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बनाया, वो तो बहुत अमेजिंग काम है, दिखाता हूँ मैं। Book 2 tickets and get child ticket free only on ClearTrip. Sale ends 15th October. इस बंदे ने रील को इतना मैच किया ना, एकदम कैमरा मोशन, ये गेम बनाया इसने पूरा, इसके अंदर ये अनरियल से बनाया ये पूरा, पर बंदे ने बहुत मतलब मैच किया है रील से। मतलब देखो नीचे ग्राउंड पे ग्रीन चीजें, ऊपर टूटी चीज़ें, मतलब कितना डिटेल्स, देखो जितना आप डिटेल्स में काम करोगे ना उतना आपका सीन रियलिस्टिक लगेगा। इसमें साउंड भी इस सीन में ऐड करनी हो तो इसी में ही हो जाती है। सब इसी में जाता है, आपको कहीं कहाँ नहीं आना, सब इसी में होता है। तो लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल एक
करियर ऑप्शन है कि इस टाइम अगर कोई इस टाइम घुस गया इसमें तो उसका आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है। वो बंदे का मेरे को मिल नहीं रहा, बड़ा अच्छा बनाता है वो। और वो छोटी छोटी रील्स बताता है, बहुत छोटी, तो उसने अच्छा कैसे बनाया हुआ। ओके तो ये क्लियर है आपको, कोई दिक्कत कहीं पे कंफ्यूजन? ऐसे तो लग रहा कि ज्यादा करा दिया मैंने अभी। मनीष गनुर, आपको तो लग रहा है कुछ ऐसा कि ज्यादा हो गया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं 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 अभी तक कोई ना। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है भी करने में। हाँ जी सर। ओके तो ये अपना हो गया, चीजें आपको रियलिस्टिक को अचीव करने के लिए चीज हो गई कि आप कहाँ कहाँ चीजें ध्यान देनी होती है, कैसे हम कोई चीज को रियलिस्टिक अचीव कैसे करते हैं। ठीक है, अभी वापस एक लाइट डाल देता हूँ इसमें। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करा रहा था, अगर ध्यान दोगे ना तो क्या हो रहा होगा ना, सीन में ना एक वो चल रहा है अभी, देखो मैं जैसे डार्क की तरफ देख रहा हूँ और वापस ना देखो धीरे धीरे ब्राइट होना शुरू हो रहा है सीन मेरा, ये दिख रहा है? अगर आप ध्यान दोगे ये देखो ऑटोमेटिक ब्राइट हो रहा है वापस, ऑटोमेटिक ब्राइट। तो ये क्या होता है ना, ये होता है हमारा ऑटो एक्सपोजर। ऑटो एक्सपोजर आपके शायद लोगों को पता होगा कि ऑटो एक्सपोजर मतलब हमारी रियल आई की तरह काम करता है, कि डार्क से ब्राइट को देखते तो बहुत ब्राइट ही दिखता है। तो जब आप भी सीन स्टार्ट करोगे तो जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि वो सेटिंग्स का ध्यान रखना है, वैसे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप सीन शुरू करने से पहले ये प्लस पे जाओगे, विजुअल इफेक्ट और पोस्ट प्रोसेस। चाहे लोग बहुत लोग ये बताते नहीं हैं, ये सेटिंग्स वाले की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं वापस बता देता हूँ, ये प्लस पे क्लिक करना है विजुअल इफेक्ट्स और ये पोस्ट प्रोसेस, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आपको सीन शुरू करने से पहले ये आपको डालना ही डालना है सीन के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेसर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना क्यूब की तरह दिखता है ये ऐसा, पर हमारे गेम में नहीं आएगा उसकी टेंशन नहीं है, बस ऐसे दिखाने के लिए है। अब जैसे ही इसकी डिटेल्स चेक करोगे ना, इसमें देखो बहुत सारी सेटिंग्स है, इसके अंदर ब्लूम इफेक्ट है, एक्सपोजर है, डर्ट मास्क, कैमरा लुक, एक्सपोजर इमेज इफेक्ट, बहुत सारी सेटिंग्स हैं बहुत डिटेल में। लेकिन इसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है ना बहुत मैटर करती है, सिर्फ इसकी वजह से पूरा लुक बदल जाता है, इसकी वजह से पूरे आपके सीन का लुक बदल जाएगा। तो जैसे आप सीन आप पोस्टर्स डालोगे ना, सबसे पहले आप उसको कर दो अनबाउंड, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनिट अनबाउंड। अनबाउंड क्या करेगा, आपकी नॉर्मली क्या होता है पोस्ट प्रोसेस काम करता है वॉल्यूम के हिसाब से, कि जितनी वॉल्यूम में आप बनोगे, मतलब लेट से आपको जितना बड़ा भी सीन है तो आप अपने सीन को ना उस वॉल्यूम के अंदर रखो, ये कि मेरा सीन उतने ही वॉल्यूम में रहना चाहिए। तो उससे अवॉइड करने के लिए ना क्या होता है, आप उसको अनबाउंड कर दो, आपका कहीं भी कोने में पड़ा हो इस पोस्ट प्रोसेस, आपका सीन ओवरऑल सीन पे काम करेगा ये, तो टेंशन खत्म हो जाती है। कह रहे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और इसको कर दो अनबाउंड, इसका ध्यान रखना। अनबाउंड नहीं करोगे तो आप जो भी इसमें सेटिंग छेड़ोगे ना वो आपको दिखेगी नहीं सीन पे, तो अनबाउंड हमेशा याद से करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे बंद करते हैं इसको, ऑटो एक्सपोजर को जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे एक्सपोजर लिखा होगा, एक्सपोजर पे क्लिक करो, इसकी सेटिंग्स खुल जाएगी। ये छोटा सा ट्रायंगल है ना, ये सेटिंग्स को कोलैप्स और वो कर देता है, तो वापस को ओपन करना हो तो क्लिक करो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है, तो मिनिमम डिसाइड करते हैं कि आप मिनिमम कितना एक्सपोजर तक जाएगा और मैक्सिमम कितने तक जाएगा। तो बाई डिफॉल्ट ने इन दोनों को सेट कर दो 1:1 पे। ये जैसे ही 1:1 पे सेट करोगे ना, देखो अब मेरी लाइट ना कॉन्स्टेंट हो जाएगी, तब मेरी लाइट कॉन्स्टेंट नहीं थी, तब वो मेरी एक्सपोजर, मेरा एक्सपोजर मिनिमम मैक्सिमम ऑन था,
इसलिए मेरी लाइट वो ज़्यादा दिखा रहा था। तो मिनिमम मैक्सिमम सेम रख दो, और अब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा लो। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ मैं। अब वो आर्ट एक्सपोजर मेरा नहीं चलेगा। अब मगर मैं सीन को यहाँ देख रहा हूँ, लेफ्ट में देखता हूँ और वापस देखो राइट की तरफ देखता हूँ, तो देखा सीन वैसे के वैसे दिखेगा। अब वो जो ऑटो ब्राइटनेस होता है ना वो नहीं दिखेगी। अभी ऑटो ब्राइटनेस बिल्कुल नहीं, जो सीन में लाइट डालूंगा उतना ही दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा, ना उससे ज़्यादा ब्राइट ना डार्क। ठीक है, दूसरी सेटिंग जो लोगों को खाती है वो है इसका लेंस फ्लेयर। कभी कभी ना सीन में आपकी ना कुछ रिफ्लेक्टेड आइटम होते हैं उनकी वजह से ना बहुत ओवर वो एक लेंस फ्लेयर पता है कैसा होता है, वो जो धूप में आपको दिखता है वो ऐसा ऑटो जनरेट हो जाता है। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए लेंस फ्लेयर के अंदर जाओ और उसकी इंटेंसिटी कर दो 0। ये भी सेटिंग आपको 0 रखनी है। तो एक्सपोजर, लेंस फ्लेयर सेटिंग बहुत ध्यान रखना है। और तीसरी सेटिंग आती है ब्लूम के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट जो इसका इनका स्टैंडर्ड ब्लूम होता है ना बहुत बेकार होता है, इसको स्टैंडर्ड से लाके कन्वोल्यूशन कर दो, बहुत अच्छा है, ब्लूम जनरेट होता है एकदम रियल लाइफ जैसा। तो तीन सेटिंग का ध्यान रखना, ब्लूम, एक्सपोजर, लेंस फ्लेयर। आगे चल के और भी सेटिंग सीखेंगे, पर अभी स्टार्टिंग के लिए आप कोई भी सीन बनाओ ये तीन सेटिंग ऑफ करके चलना, ब्लूम, एक्सपोजर और इमेज इफेक्ट, वो सॉरी लेंस फ्लेयर। चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या क्या रखना होता है। ब्लूम के अंदर ये सेटिंग ध्यान रखनी है, एक्सपोजर की तरह मिनिमम मैक्सिमम 1:1 रखना है, और लेंस फ्लेयर में इसकी इंटेंसिटी रख देनी है 0। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो अपने को ध्यान रखनी है किसी भी सीन, चाहे वो आर्किटेक्चर का हो, चाहे आप गेम बना रहे हो, चाहे आप कोई फिल्म का शॉट बना रहे हो, पर इस सेटिंग को ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मान लेते हैं अपने पास ये सीन में कॉपी पेस्ट, आपको मैंने बता दिया कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अनिल का ना कुछ अपना सैंपल्स और है जो बहुत अच्छा सैंपल्स हैं, कुछ पार्टिकल आपको देखने हो ना कि जो अनिल ने बनाए हुए हैं। तो आप जब प्लस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे एक राइट क्लिक और ऐड फीचर और कंटेंट पैक। ये और सैंपल्स है जो ब्रिज में आपको नहीं मिलता है, ये ब्रिज से अलग हटा के है। तो लेट से मैं यहाँ पे गया ऐड फीचर कंटेंट पैक के अंदर, और यहाँ पे आपको जाना है स्टार्टर कंटेंट, ये ब्लूप्रिंट सी प्लस प्लस कंटेंट, ये अपना स्टार्टर कंटेंट। इसके अंदर आपको लिए कुछ और बनवाना है, मटेरियल्स और पार्टिकल्स मिलेंगे, वो भी मैं दिखाता हूँ, बड़े अमेजिंग है। मतलब ये चीज़ आप चेक करना जाके, अभी स्टार्टिंग है ना आपकी, तो सारा ढूंढो कि क्या क्या है अनिल के पास, क्या क्या मटेरियल पड़े हैं, क्या क्या पार्टिकल्स हैं। ये भी हमारा ऐड हो गया यहाँ पे कंटेंट में आते हैं। अभी हमें यहाँ पे स्टार्टर कंटेंट के नाम से डाला तो स्टार्टर कंटेंट का यहाँ पे एक फोल्डर मिल गया हमें, स्टार्टर कंटेंट ओपन करना है और उसके अंदर के पार्टिकल्स अपने पास हैं ये पार्टिकल्स। ये देखो इसने भी फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे ध्यान रखा है, एक ऑडियो का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया, ब्लू प्रिंट है, चलाई मैप्स मटेरियल। तो आपको भी अपना काम फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करना है। पार्टिकल्स में देखो यहाँ पे एक फायर का है, बहुत अच्छा फायर इनका है, तो बहुत अमेजिंग कंटेंट है इनके पास, वो सब चेक करो जा जाके, सब ढूंढ मारो कि इनके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। स्मोक भी है इनका, बड़ा अच्छा स्मोक है। उसके बाद इनका एक्सप्लोजन भी आता है, तो ये सब कंटेंट आपको चेक करना है। वापस हम ब्रिज में आते हैं, तो अभी जैसा मैंने निकाला था 3D asset, 3D plants, 3D asset के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कभी कभी आप लैंडस्केपिंग में जो ग्राउंड्स होते हैं वो तो ग्राउंड के ना मैच बहुत अच्छे मिल जाते हैं इनके पास। यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड टाइप करना है,
और ग्राउंड के मैच दिखाता हूँ, बहुत अमेजिंग है इनके पास सारे कंटेंट। चेक करो मतलब ब्रिज पे जा जा के अलग अलग मॉडल्स देखो, मटेरियल्स देखो, और बेसिक चीज़ों पे मतलब डालो अपने, चाहे वो आपकी टेबल हो, चाहे आपका एक प्लेन हो, क्यूब हो, उन सब पे डाल के देखो। ब्रिज में से लकड़ी उठाओ, डालो, एक कैमरा शॉट लगाओ, तो आपकी क्रिएटिविटी बेसिकली ओपन होनी शुरू हो जाएगी, एक क्रिएटिविटी एक्सप्लोरिंग शुरू हो जाती है कि हाँ आप क्या सोचते हो। होता ना कि सबको बोला जाए कि अगर एक ड्रैगन बनाना है तो आप सब लोग अलग अलग ड्रैगन बनाओगे, तभी आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर होना शुरू हो जाती है कि आप किस टाइप का ड्रैगन देखना चाहते हो। तो ये समझो कि आपके हाथ में एक टूल मिल गया, अब आप इससे क्या बना सकते हो वो आपको सोचना है। और जब ये ऐड कर रहा हो ना, ऐसे दिखा रहा हो वेटिंग, तो ज़्यादा क्लिक मत करना है तो नील क्रैश हो जाता है। ये क्रैश होना टाइम लेता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी क्रैश की है। ठीक है, वापस मेगा स्कैन में आते हैं, 3D एसेट और ये ग्राउंड, इनको आप स्केल कर सकते हो अपनी मन मर्जी से, जितना मर्जी चाहो उतना स्केल करो। इतना मज़ा नहीं आया इस वाले में, तो कोई और देखते हैं। लेट्स से कोई शॉर्ट इमेजिन करते हैं कि ये अपना एक सैंड के ग्राउंड पे पड़ा हो। आई थिंक यू कैन यूज दिस, इस पर ट्राई करते हैं। इसको हमने ऐड किया, अभी कोशिश करना कि आप स्टार्टिंग में आप लोग सोचो कुछ ऐसे छोटे छोटे शॉट बनाने के, बहुत बड़ा मत प्लान करना, कोई छोटा सीन सोचो पर बनाओ उसको ऐसा कि वो डिटेल लगे। हाँ ये कुछ मजा आएगा इस पे। तो लेट्स से मैंने लिया इसको, डुप्लीकेट मारा मैंने, सो कॉपी पेस्ट थोड़ा रोटेट करके, है ना, फिर अपना ग्राउंड रेडी हो गया। एक चीज पूछनी थी, कुछ कुछ ये जैसे ये जो लैंड इंपोर्ट किया है और इसको रोटेट कर करके, इसका डुप्लीकेट कर करके, इसमें कोई वो कोई मतलब स्लाइडर नहीं होता जिससे इसका पैटर्न वगैरह चेंज हो जाए? नहीं, पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा इसको आपको मैनुअली ही रेंडमाइज करना पड़ेगा, इसको रोटेट करके, उसको स्केल करके। वैसे तो आगे चल के मैं आपको ब्लूप्रिंट सिखा दूंगा, एक ब्लूप्रिंट बता दूंगा जिससे आपको पूरा पूरा ग्राउंड आप रेंडमाइज बना जनरेट कर सकते हो एक बार एक क्लिक पे। पर अभी कोशिश ये करो कि मैनुअली आप इनको अलग अलग रोटेट करो, हाथ से रोटेट करके, किसी को रोटेट कर दिया, किसी को थोड़ा बड़ा कर दिया, वो अपने आप रेंडमाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, लाइट
मैं एक पॉइंट लाइट डाल देता हूँ। तो अब छोटे छोटे शॉर्ट बना सकते हो। आपको रेफरेंस चाहिए तो आप रेफरेंस देखो चाहे तो ऑनलाइन, और फिर आप कोई शॉर्ट बनाए कुछ करो। नहीं तो अभी आप कहीं मत जाओ, सिर्फ ब्रिज में जाके देखो चीज़ें और खुद ही सोचो कि मैं क्या क्या बना सकता हूँ। ठीक है, अभी समझ लेते, थोड़ा लाइट के पैरामीटर समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक लाइट जो आपको मिलेगी हमेशा सीन के अंदर, आप डायरेक्शन लाइट डालो। डायरेक्शन लाइट के अंदर आपको ये बेसिक चीज़ें मिलेंगी, इंटेंसिटी, सोर्स एंगल और सॉफ्ट सोर्स एंगल। अभी सेटिंग्स में ज़्यादा पढ़ो मत, न्यू सेटिंग्स आपको ना कन्फ्यूज़ कर देगी। अभी आप बस चीज़ों का क्या छेड़ना है ना, आपको सीन में इंटेंसिटी छेड़ लेना और कलर, बस इससे ज़्यादा मत छेड़ना। अभी कोई भी सीन बना रहे हो थोड़ा इंटेंसिटी छेड़ लो, कम ज़्यादा करनी हो या उसे कलर चेंज कर लो। जब भी आप ड्रेशन लाइट यूज़ करते हो ना, उसके साथ हमेशा आपको ये यूज़ करना है, स्काई एटमोसफेयर। इसका मैं रीज़न दूंगा बाद में, और अभी के लिए रहने देते हैं। अभी के लिए बस एक शॉर्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने उसमें ऐड कर दिया फॉग। एक कॉपी और कर लेते हैं, इसको रोटेट करके लाओगी अपने आप तुम्हारा जो भी सीन है वो ऐसे रेंडमाइज रहेगा। ठीक है, ये जो आपका कैमरा होता है ना, कैमरे की अगर आपको सेटिंग्स देखनी हो ना, सब यहीं पर है, सब डिटेल्स पैनल में देखो। चाहे आपका कैमरा हो, चाहे लाइट हो, चाहे पार्टिकल हो, हर चीज़ का डिटेल्स पैनल में ही दिखता है, सबके प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी कैमरा में क्या होता है, कैमरा में ना आपके टाइप्स होते हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो। जैसे फिल्म वाला जो कैमरा होता है वो अलग होता है, डीएसएलआर अलग होता है, क्योंकि उनके सेंसर अलग होते हैं, सेंसर विड्थ और हाइट। तो अभी के लिए आप, जिन लोगों को कैमरा का नॉलेज नहीं है, अभी के लिए आप 60mm डीएसएलआर ले लो। और आपको लेंस चेंज करना, तो यहाँ पे फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ आप जितना डालोगे उतना होता जाएगा। जैसे आपका तो लेंस होता है, लेंस 30 होता है ना, फिर 50 80, जैसे फ़ोन के अंदर प्लस जूम नहीं होता, 0.5 0.25 फिर 3x, तो ये अपना उसकी तरह चलता है। जितना अच्छा फोकल लेंथ होगा उतना अच्छा ब्लर मिलता है आपको। तो अगर मैं लेट से मैंने 50 किया, और 50 के बाद मैंने फोकस रख दिया अपने स्कल पे, ये ना स्कल पे फोकस रख दिया, तो आप देखो तो पीछे का ब्लर हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आप चाहे इसके शॉट निकालो, दो तीन शॉट निकालो, तो वो सब सिखाऊंगा मैं, कैमरा से शॉट निकालना, फिल्म बनाना। ठीक है, और आपको आज की क्लास में क्या करा सकते हैं ये मैंने बता दिया आपको सारी सेटिंग्स। अच्छा, जैसे मनीष आप आर्किटेक्चर के बंदे हो ना, आर्किटेक्चर आपको करनी है, तो अभी आप इम्पोर्ट कैसे करते हैं, पिक्स इम्पोर्ट करते हो, डेटा से इम्पोर्ट करते हो मनीष? हेलो मनीष, आवाज आ रही है? हेलो, कुछ
विनोद मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है, आवाज आ रही है सर। ओके मनीष, शायद पता नहीं मनीष को आ रही नहीं आ रही। तो गुरु क्लियर है ना? अभी तुम्हारे पास सिस्टम में ये सब बेसिक सीन तो बना पाओगे ना? हाँ जी, हाँ जी सर। तो अभी कुछ करना, जैसे मैंने छोटा सीन बनाया ना, ऐसे ही करना। एक छोटा स्केल डाल दो, एक ग्राउंड डाल दो और एक फायर ओके एलिमेंट okay. डाल दो। हाँ ऐसे करके बनाना है, ठीक है। ब्लेंडर से आप किस पे ब्लेंडर पे करते हो, किस पे करते हो? ब्लेंडर कुछ आता है? ब्लेंडर में मैंने एक दो चीज़ें थोड़ी बहुत सीखी थी यूट्यूब से, उस ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं सीखी थी हाँ मैंने। ठीक है, चलेगा। अभी कोई कॉम्प्लेक्स किया भी नहीं ना तो भी चलेगा, क्योंकि इतना यूज़ होता भी नहीं है कॉम्प्लेक्स। आजकल हर एक चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, है ना? तो कुछ भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कि ब्लेंडर से कुछ भी एक टेबल ही चाहे एक्सपोर्ट मार लो, पर एक्सपोर्ट ज़रूर करना, ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये अपने स्किल के शॉर्ट हो गए। मैं कैमरा का डुप्लीकेट ले सकता हूँ और फिर नया कैमरा शॉट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपना फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छा रखना है। मनीष मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ मैं कॉल ही करता हूँ मनीष को। तो अपना मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आप इमेजिनेशन आप पूरी रखो, फिर से आप चाहे कहीं भी हो, आप फिल्म बनाओ या गेमिंग में जाओ, बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे आपके लिए। अनरियल से मतलब इस अकेले सॉफ्टवेयर में अगर आपने कर लिया तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपके आर्टिस्ट डिवाइड हो जाते हैं। मतलब लाइटिंग आर्टिस्ट अलग होता है, फिर एक सीन ड्रेसिंग आर्टिस्ट अलग होता है जो सिर्फ डिज़ाइन करता है, फिर एक आर्टिस्ट होता है जो यू नो सीन में सिर्फ लैंडस्केपिंग करता है, और फॉलीज का बंदा अलग होता है। बट आप ऐसे सोच के चलो कि आपको मतलब कोई ना कोई तो बेस्ट पार्ट होगा। मतलब हो सकता है तुम में से किसी का लाइटिंग पार्ट बहुत अच्छा निकले, किसी का ड्रेसिंग पार्ट बहुत अच्छा निकले। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? पता नहीं मैंने इसकी कॉल तो नहीं आई है, तो आई थिंक क्लास के लिए ना, फिर आज के लिए गुड। कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तक तो सब समझ आ गया। आ गया? अभी अनरियल तुमने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया अभी तक? नहीं, अनरियल इंस्टॉल कर लिया मैंने। अच्छा कर लिया इंशाल्लाह, सही है। तो करना कोशिश करो कि इस वीक में मेरे को कुछ बना के दिखाओ, छोटी छोटी चीज़ें। लाइट ठीक है डालो, सर। कैमरा डालो, ऑब्जेक्ट डालो, ठीक है ना? और ठीक है इवन सर। कनाडा में, इन सब बाहर कंट्री में तो बहुत अच्छा खासा स्कोप है अनरिजन का। मतलब वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री और अच्छी है, क्योंकि हॉलीवुड है, हॉलीवुड इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो
वहाँ तो और भी अच्छा स्कोप है इस चीज़ का। मैंने कुछ मूवीज़ के लिए भी काम किया है, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ थी तो उनके लिए भी कुछ VFX शॉट्स बनाए। वैसे जनरली हम जो काम करते हैं, मैं दिखाता हूँ, नॉर्मली हम ऐसे सिनेमेटिक्स पे काम करते हैं तो हमारे पास फिल्म के VFX एंड टाटा, इवन टाटा जो कंपनी है उसकी जो सिनेमेटिक्स होते हैं, ये गाड़ी के कोई भी गाड़ी लॉन्च होने वाली होती है तो हम ही बनाते हैं इसके। जैसे अल्ट्रोस का आया होगा, देखा होगा अगर तुमने, गए हो तो कभी ऑटो एक्सपो में, तो टाटा का जो था वो रिसेंटली हम ही नहीं बनाया था। तो ये पूरा फिल्म अनरियल के अंदर बना हुआ है। ठीक है, फिर जैसे अभी रिसेंटली जो आया टाटा का अपलिफ्ट, टाटा नेक्सन अपलिफ्ट, ये भी नई रिलीज हुई है, ये पूरा हमने अनरियल में बनाया है। तो इस समय क्या, आपने गाड़ी रखा, पीछे बैकग्राउंड बनाया, लाइटिंग डाला, अच्छा सा कैमरा मोशन डलवा और आपके शॉट्स रेडी, तो बहुत स्कोप है। चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, चाहे वो आर्किटेक्चर की इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म की हो, अभी हर जगह से अनरियल चाहिए। आओ सामान, इसमें अरे कार मैं का कॉल पे मॉडल तो था, खुद ही बनाना पड़ा होगा। अच्छा कॉल पे हूँ मैं एक, हाँ फ्लाइट पे ही हूँ मैं। हेलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हेलो, हाँ दक्ष हेलो हेलो, हाँ सॉरी गाइस, किसका क्वेश्चन था? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दक्ष। हाँ, मैं कह रहा था इसमें तो कार का मॉडल ये खुद ही बनाना पड़ा होगा। नहीं जनरली क्या होता है, गाड़ी के जो मॉडल्स होता है ना वो कंपनी प्रोवाइड करती है, वैसे तो जो टाटा कंपनी है जो भी होती है कैड, क्योंकि उनका काम होता है गाड़ी को रेडी कराना, क्योंकि वो ज़्यादा लोग जाते हैं, बट उनकी साइड से जो मॉडल मिलता है ना उसमें कुछ कुछ कमियाँ होती हैं, तो वो आपको थोड़ी बहुत मॉडलिंग अगर पता होगी ना तो ठीक करना आना चाहिए बस। बट अच्छा, गाड़ी की टेंशन ओके। नहीं है यहाँ पर, गाड़ी का मॉडल तुम्हें कंपनी देती है। और बाकी जैसे ये डिस्प्ले वगैरह जो है गाड़ी के अंदर की, इस ये सब अनरियल में हो जाता है या इसको दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके एडिट करना पड़ता है? जो स्क्रीन है जो डिस्प्ले पे देख रहे हो तो टेक्सचर है नॉर्मली, तो हमने बस टेक्सचर डाल दिया है, ये सिटी शॉट्स ये सब बनाया हुआ है ब्लैक पैंथर ने।